यूपी में सीएम योगी ने एक बड़ा एक्शन लिया है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। योगी ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए घूस लेने वाले डीएसपी को डिमोट करके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश दे दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं डीएसपी के करप्शन की पूरी कहानी। यूपी के गृह विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद रामपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर को रिश्वत लेने के आरोप में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का निर्णय लिया है। यह बात हो रही है तत्कालीन डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा की। सबसे पहले आपको इस पुलिस वाले का वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। मेरे पास जो इकट्ठा हुआ है अभी मैं ले आया हूँ और बाकी मुझे थोड़ा सा जैसे कहेंगे मैं आपसे बाहर नहीं हूँ भाई। मुझे तो कप्तान साहब से मेरी कोई इसमें की बात ही नहीं हुई और वो आप ही सारा कुछ संभाले पड़े हैं सर। 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आपसे। मैं पैर पकड़ लूंगा सर। सर मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच डाला। मैं इस समय इतना परेशान हूं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सिर्फ 5 लाख लाया हूं, बाकी सर देख लो अगर हो जाए ना फिर मुझे थोड़ा सा ना। एक मिनट, लूज हैं सर, थोड़े लूज हैं। एक बार हाथ लगवा लेते आप सर, देख लीजिए सर। मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे माफी दिलवा दो। मैं इसमें अगर हो जाए तो इसमें करवा दो, मैं बात करता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक अस्पताल के संचालक और तत्कालीन इंस्पेक्टर रामवीर यादव ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसमें पुलिस ने घूस लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इसी मामले में 5 लाख की घूस लेते हुए सीओ विद्या किशोर का ये वीडियो अफसरों के संज्ञान में आया जिसके बाद कार्रवाई की गई। विद्या किशोर शर्मा की भर्ती पीएससी में प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर पद पर हुई थी। प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें डिप्टी एसपी के पद पर तैनात किया गया था। 30 अक्टूबर 2018 को विद्या किशोर शर्मा को डिप्टी एसपी बनाया गया था। 2021 में रामपुर में तैनाती के दौरान सीओ विद्या किशोर शर्मा करप्शन के कई आरोप लगे थे। इन्हीं में से एक गैंगरेप के मामले में घूस लेने का वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस मामले में विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं अब वो हम आपको सुनाते हैं। बात को इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार मान रही है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार जड़ों तक डूबा पड़ा है। लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो मैं तो इस सरकार से यही कहूंगा, ये प्रमोशन डिमोशन डिमोशन परमोशन से कुछ नहीं होगा। आपको वर्क कल्चर बदलने की जरूरत है। जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को लगातार मिल रहा है पुलिस विभाग में, जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े कानून बनते रहते हैं लेकिन क्राइम नहीं रुकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है लगातार आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि पुलिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार कह रही है कि उन्होंने हर तरफ एक्शन लिया है, ये योगी मॉडल ही है जो जीरो टॉलरेंस है करप्शन और किसी भी तरह के अपराध के प्रति अफसर को भी नहीं पड़ता। हाँ तो यही तो वो सरकार है जहाँ के पुलिस में कोई अपने थाने में जाता है तो उसे पैर दबवाते हैं, किसी से पुलिस वाले जूता साफ करवाते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं। यही पुलिस विभाग है ना, जहाँ पुलिस को जनता पीट रही है, कभी जनता को पुलिस पीटती है, तो भ्रष्टाचार देखने को कहाँ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जो खाकी है इसका रुआब खत्म हुआ है, इसका खौफ खत्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, तभी तो आप देखते हैं पुलिस वालों को यहाँ पे कई बार पीटते हुए नजर आ जाते हैं गुंडे। न्यूज़ तक ब्यूरो।